प्रणाम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज हम लोग फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। निफ्टी का अगर हम CPR देखे और ओपनिंग देखे तो ही काफ़ी कुछ पिक्चर क्लियर हो जाता है। ये देखिए, ये है कल का CPR, ठीक है, और ये आज का CPR है। अब आज का CPR और आज के कल के रेंज के ऊपर निफ्टी जब खुलता है तो एक बुलिश, हम कह सकते कि वो बुलिश है। और जो 3 तारीख का CPR था उसके ऊपर है 4 तारीख का CPR, और ओपनिंग हुई है CPR, दोनों CPR के ऊपर और प्रीवियस डे के रेंज के ऊपर। तो ये प्रीवियस डे का रेंज ये ब्लू कैंडल ब्लू लाइन से मार्क किया हुआ है। तो जैसे ही ये ओपन हुआ एक लॉन्ग कर सकते थे, बाकी और कोई क्लियर पैटर्न तो नहीं दिख रहा था, बट मोमेंटम और सेंटिमेंट्स के हिसाब से अगर ट्रेड लेना हो तो एक निफ्टी में ये ट्रेड बन रहा था। कंपैरेटिवली जो बैंक निफ्टी कल इतना नहीं मूव दे रहा था निफ्टी के साथ, तो आज बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा था कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी थोड़ा अपना रेंज बाउंड हो गया था, और वैसे भी ये जो इतना वाइड CPR था वो हमें बता ही रहा था कि के जो जो इंस्ट्रूमेंट है जिसका CPR इतना वाइड है वो रेंज बाउंड हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या हुआ। ये पहला ही कैंडल था जो जिसका हाई था 16236.65 और राइजिंग ADX था, और हम लोग कहीं पे भी एंट्री ले लेते तो एक अच्छा मुनाफा होता। बट प्रॉब्लम ये था कि स्टॉप लॉस कहाँ रखे, कैसे रखे, 50% ये कैंडल का रखे या जो एंट्री कैंडल है उसके उसके नीचे रखे। तो बहुत सारा ये इश्यूज था निफ्टी के चार्ट में। हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट जब भी डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें एक क्लियर एंट्री थी, एक बार नहीं 2 बार एंट्री थी, ठीक है। तो ये था निफ्टी। निफ्टी में सेंटिमेंट्स के बेसिस पे ट्रेड ले लेते तो मिल जाता पैसा, बट एक बड़ा मूव नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे। कल के इतने बड़े मूव के बाद आज थोड़ा रेंज बाउंड होना ज़रूरी था, तो वो ही हुआ है। बस यही है कि दोनों कल का CPR आज के CPR से पूरा नीचे था, और आज का ओपनिंग रेंज के ऊपर था, कल के रेंज के ऊपर और CPR के ऊपर भी। तो ये एक बुलिश फॉर्मेशन है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरा ही जो CPR को एक्सप्लेन करेगा क्या कंडीशंस होती है, क्या देखना पड़ता है, कल का क्लोजिंग कभी देखना है और कल का और आज का ओपनिंग देख के क्या पता चलता है, वो एक वीडियो बनाऊंगा। बट ये सब जो मेरे जब भी मेरे आई मीन 5,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे ना तभी वो वीडियो बनेगा। तब तक के लिए क्या है कि उतना मोटिवेशन तो है, बट क्या है कि ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे और ज़्यादा लोग देख पाएंगे तब अच्छा लगेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये निफ्टी का है और बैंक निफ्टी का देख लेते हैं चार्ट कैसा था। ये बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे सेम वैसा ही हुआ, कल के CPR के ऊपर आज का CPR और कल के रेंज के ऊपर ही ओपन हुआ, ठीक है। मैंने रेंज मार्क करके रखी है और उसके ऊपर ही ओपन हुआ, और जैसे ही ओपन हुआ ठीक है थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ। राइजिंग ADX तक कहीं पे भी एंट्री ले लेते आप, ठीक है, यहाँ पर ले लेते, यहाँ पर ले लेते, थोड़ा एक रेड कैंडल कंसोलिडेशन के बाद आप ले लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। बाद में एक यहाँ पर जाकर आगे जाके थोड़ा डाउन और फिर थोड़ा अप और थोड़ा नीचे आया तभी एक ट्राइंगल बना, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना, ट्रायंगल पैटर्न बना, और जब ये हमें इस ये हाई के ऊपर बाई करते या ये हाई के ऊपर, ये हाई के ऊपर हम जनरली बाई करते, और बाई करते तो 3596 3.05 का हाई था, और अगर कोई सेफ प्लेयर होता तो 35987 पॉइंट। और तभी ये जब ये कैंडल बनना चालू हुआ हमारा ADX भी राइजिंग था, तब तक के लिए हमारा ADX राइजिंग भी नहीं था।
ठीक है, और उसके बाद जो गया थोड़ा उसने पैसा बना के दिया, रफली एक 200 पॉइंट मूव हो गया वहाँ से। ठीक है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में आज का दिन इतना एक्शन वाला नहीं था एज पर पैटर्न्स अगर हम देखें तो। बट अगर कोई सीपीआर समझता है और अगर सीपीआर समझ के और उस बेसिस पे ट्रेड लेता है तो उसके लिए एक अच्छा दिन रहा आज भी। अगेन निफ्टी को मूव करने वाला पूरा दिन आज का जो लीडर था वो था एचडीएफसी, कल भी वही था, आज भी मेजर कंट्रीब्यूटर एचडीएफसी रहा, कुछ 4% प्लस में वो बंद हुआ है और पूरे दिन अच्छा ही खासा उसने मूवमेंट दिया था। ठीक है, तो आज आपने क्या सीखा, मैं बताता हूँ आपने क्या सीखा आज। आज आपने ये सीखा कि अगर सीपीआर जो है कल का उसके ऊपर आज का सीपीआर बनता है, कल के सीपीआर के ऊपर आज का सीपीआर, मतलब ये कल का सीपीआर है उसके ऊपर आज का सीपीआर बना, और तो ये थोड़ा एक बुलिश माना जाता है, और ओपनिंग भी समझो दोनों सीपीआर के ऊपर हुआ तो बुलिश ही है। अगर ये ओपनिंग ये सीपीआर के रेंज में भी हुआ होता तो भी उसको बुलिश ही मानते हैं, क्योंकि उसमें दो रीज़न है, एक तो कल का क्लोजिंग जो था वो उसके सीपीआर के ऊपर हुआ, और जो ओपन हुआ वो आज के सीपीआर और रेंज के ऊपर हुआ। ठीक है, तो ये एक चीज़ देखिए, रोज हम लोग ये बात करेंगे सीपीआर का क्या होता है, रोज ओपनिंग, कल का क्लोजिंग, आज का ओपनिंग, कल का सीपीआर, आज का सीपीआर। ठीक है, बाद में मैं कभी एक चार्ट भी बना के डाल दूंगा जिससे कि आपको इजी होगा, बट ये लाइव बातें करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एज मैंने कहा कि जिस दिन 5,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे यूट्यूब पे, डेफिनेटली एक पूरा सीपीआर पे वीडियो आएगा जिसमें सब कुछ डिटेल शेयर कर दूंगा, कुछ भी सीक्रेट रखूंगा नहीं, जो भी होगा वो बता दूंगा। ठीक है, और बस वैसे ही आप वीडियो देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।